खा लिया घर का बना हुआ मजे का खाना? इसीलिए तो कमरे में आने को दिल नहीं चाह रहा था तुम्हारा। इसी डर से मैं कमरे में नहीं आ रहा था कि तुम हजार बातें सुनाओगी, और वही हुआ। ओ, तुम्हें मेरा डर है? हैरत है, मुझे तो यही लगा था कि अपनी माँ और भाई के अलावा तुम्हें किसी का डर ही नहीं है। ऐसा नहीं है यार, उनका डर नहीं है, रिस्पेक्ट है उनकी। अच्छा, मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मैंने बोला कि मुझे खाना मंगवा दो, आगे से क्या जवाब मिला? बाहर से खाना नहीं आएगा। वो नई नवेली दुल्हन की इतनी इज्जत हो गई कि उसने ऑर्डर करके खाना मंगवा लिया, और सबने चुपचाप खा भी लिया, और मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला, ना तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारे भाई ने। नहीं नहीं, चुपचाप सब थोड़ी थे, अम्मी का एक्सप्रेशन नहीं देखे थे तुमने? एक्सप्रेशन से क्या होता है? हाँ, मुंह से भी कुछ बोलना होता है, उनकी जुबान तो सिर्फ मेरे पे खुल गई। तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मी ये सब इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेंगी? हाँ, ये सब होने देंगी? अभी अम्मी सिर्फ लिहाज कर रही हैं, तुम समझो मेरी बात को यार। देखो सुनो, जिस दिन अम्मी का ये लिहाज खत्म हो गया ना, फिर तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं अम्मी को, अपनी मर्जी के खिलाफ एक बात तक बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर ऐसी हरकत थोड़ी बर्दाश्त करेंगी। अच्छा, मैं भी देख लेती हूं। नबी, अगर तुम्हारी मां की जुबान पर उस नई नवेली दुल्हन के लिए ताले पड़े रहे ना, बता रही हूं मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ अच्छा, तब की तब देखी जाएगी ना यार। हाँ, अभी तो मूड ठीक कर लो, ये हर वक्त गुस्सा नहीं अच्छा लगता यार। मुझे कोई शौक नहीं हर वक्त नाराज रहने का, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं तो चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। अच्छा फिर मैं ये फोन ले लेता हूं। भूख लग रही है मुझे, खाना ला दूं? लेने आऊं? ऑर्डर करूं? मुझे किसी का बचा हुआ नहीं खाना। अच्छा जी।